आज मैं छवि कवर बनाकर तैयार करूंगी छवि कवर को आप सभी जानते होंगे इसको फोटो फ्रेम कवर भी बोल सकते हैं तो इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ 6 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड आठ इंच की लंबाई लेने के बाद छवि कवर को तैयार करेंगे और ये मैं येलो कलर की उस बाल की बेबी सॉफ्ट बोल से छवि कवर को बनाकर तैयार करूँगी और इससे कलर लेने के बाद इसके धागे से चेन बनाकर तैयार करेंगे और मैंने ये मेजरमेंट आपको अभी बताया कि छः इंच की चौड़ाई ऊपर रहेगी और छः इंच की चौड़ाई नीचे रहेगी तो टोटल बारह इंच की चौड़ाई यानी गोलाई नीचे की चाहिएगी तो इसके लिए मैं चेन बनाकर तैयार कर लेती हूँ सिक्सटी नाइन चेन को बनाकर तैयार किया उसके आगे थम रखने के बाद थ्री चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे और फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया फिर आगे चेन के अंदर डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया कैसे डालेंगे टू फंदों को गिराएंगे फिर आगे के टू को गिराएंगे तो ये डबल क्रोशिया बन जाता है सत्तर चेन बनाने के बाद और सत्तर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको इस तरफ से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया यानी थ्री चेन बनाई तो तो इसमें फर्स्ट वाली चेन के अंदर डालने के बाद स्ली स्टिच किया और यहाँ से मैं बाद में इस धागे से अटैच करूंगी तो इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर आगे थ्री चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया तो आपने थ्री राउंड यानी वन राउंड टू राउंड और इसके ऊपर थ्री राउंड सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया चलाना है ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे घुमाएंगे और गोल गोल सर्कल में आगे बनाएंगे तो ये थ्री राउंड को बनाकर तैयार करेंगे और यहाँ पर ना कोई डबल क्रोशिया बढ़ाया जाएगा और ना कम किया जाएगा तो सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया के साथ थ्री राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं तीन राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लेंथ बता देती हूँ तो डेढ़ इंच की लेंथ बनाकर कंप्लीट की अब यहाँ से मैंने दोनों चेन को ज्वाइंट किया और जॉइंट करने के बाद स्ली स्टिच करती हूँ यहाँ तक आई और यहाँ से मैंने जॉइंट करने के बाद यहाँ से सेवन डबल क्रोशी के ऊपर ये चेन बनाकर ऐसे छोड़ी और यहाँ से भी मैंने सेवन डबल करोशी ऐसे टोटल करने के बाद सेवन से डबल करोशी के ऊपर कर ऐसे रेड कलर के धागे धागा ज्वाइंट किया ये टेम्परेली है बाद में इसको निकालेंगे तो सेवन डबल क्रोशे इस तरफ छोड़े और सेवन डबल क्रोशे इस तरफ छोड़े और ये होल की लेंथ साढ़े तीन इंच की लेंथ है तो इसमें मैंने कितने रखे हैं होल चार इंच का होल रखा है कि चौड़ाई चार इंच इसलिए ली के रेड कलर के धागे से चारों तरफ से आउट लाइनिंग बनाएंगे कट की लंबाई कितनी रहेगी साढ़े चार इंच और साढ़े चार इंच में मैं पाँच इंच का कट डालूंगी तो ऐसे ही मैं सीधा बनाती चली जाऊंगी और पाँच इंच तक ऐसे ही बनाती चली जाऊंगी अब यहाँ से कैसे करेंगे यहाँ से ऐसे चेन बनाएंगे थ्री थ्री चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया फिर आगे डबल करोशे के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल करोशे के ऊपर डबल क्रोशिया फिर आगे डबल करोशे के ऊपर डबल क्रोशिया यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती हुई यहाँ तक आऊँगी जहाँ तक रेड कलर का धागा है और यहाँ से आने के बाद मैं आपको फिर बता देती हूँ यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद रेड कलर के धागे को ऐसे निकालेंगे और ये साइड में करेंगे और इसको कैसे करेंगे ये बीच का होल रहेगा तो इसको मैं ऐसे इस तरफ से घुमाऊँगी और थ्री चेन बनाने के बाद फिर आगे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आऊँगी और यहाँ से फिर मैं बैक इस तरफ से घुमाऊँगी तो ऐसे ये होल बनता चला जाएगा और इसको पाँच इंच की लंबाई करने तक इसको सीधा बनाते चले जाएंगे कवर को यहाँ तक बनाने के बाद यानी यहाँ से यहाँ तक पाँच इंच का कट रखने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसको कैसे ज्वाइंट करेंगे आगे यहाँ पे मैंने बाईस डबल क्रोसी छोड़े तो यहाँ पर भी मैं बाईस चेन बनाऊंगी दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस वाइस चेन के के बनाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाने के बाद आगे थ्री चेन बनाएंगे वन टू तो, थ्री थ्री चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशे के ऊपर सेमी डबल क्रोशिया फिर आगे डबल क्रोशे के ऊपर सेमी डबल क्रोशिया फिर आगे सेम ही डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ तक आई और यहाँ से चेन बनाई हुई है तो इस चेन के अंदर से ऐसे निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने बाईस चेन बनाई तो बाईस डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे ऐसे चेन के बीच में से निकालेंगे और डबल क्रोशिया फिर आगे चेन के बीच में से निकाल लेंगे डबल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर से निकालेंगे डबल क्रोशिया तो ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और इसको यहाँ से ज्वाइंट ऊपर के राउंड कंप्लीट करने के बाद अब ये ओपन है नीचे से और ऊपर से तो इसको ऐसे ऊपर से बंद करेंगे और नीचे से ओपन ही रहेगा कवर के ऊपर चढ़ाने के लिए तो इसको कैसे बंद करेंगे यहाँ से स्टार्ट करने के बाद थ्री चेन बनाएंगे और थ्री चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से टू डबल क्रोशिया छोड़ेंगे एक इसी में रहने देंगे फिर एक बार और इसी के अंदर से घुमाएंगे टू डबल क्रोशिया छोड़ेंगे यानी टू फंदे छोड़ेंगे एक इसी में रहने देंगे फिर एक बार और इसी चेन के अंदर से निकालेंगे टू फंदों को गिराएंगे एक इसी में रहने देंगे अब ये चार फंदे हैं तो इनको चारों को एकदम से ऐसे गिराएंगे और वन चेन बनाने के बाद टू चेन को स्किप करेंगे थर्ड चेन के अंदर क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और नीचे नीचे की तरफ से भी ऐसे लेंगे यानी दोनों को इकट्ठा लेने के बाद फिर स्लिप स्टिच किया और स्लिप स्टिच करने के बाद फिर थ्री चेन बनाएंगे और इसी के अंदर से एक बार और डबल क्रोशिया टू पंतों को गिरा एक इसी में रहने दिया और फिर एक बार और इसी के अंदर से निकाला टू फंदों को गिराया एक इसी में रहने दिया फिर इसी के अंदर से निकाला टू फंदों को गिराया एक इसी में रहने दिया अब इन चारों फंदों को एकदम से गिराएंगे और वन चेन फिर टू चेन को स्किप करने के बाद थर्ड चेन के अंदर ऐसे डालेंगे और नीचे की तरफ से भी डालेंगे और सीफ स्टिच करेंगे तो इस तरीके से यहाँ से ऊपर से बंद कर लेते हैं पस से ज्वाइंट करने के बाद अब इसके बीच के होल में आउटलाइनिंग बनाएंगे रेड कलर से तो ये रेड कलर का गोला लेने के बाद इससे मैं आउटलाइनिंग बनाऊंगी तो इसके लिए कैसे करेंगे यहाँ पर एक बड़े वाला डबल क्रोशे छोड़ने के बाद यहाँ से मैं ज्वाइंट करूँगी धागे को इस तरीके से और इसमें नोट लगाने के बाद इसके अंदर से निकालूंगी और वन चेन इसको पीछे से टाइट करूंगी और वन चेन बनाने के बाद इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया फिर वन चेन और आगे कुछ गैप डालने के बाद आगे फिर सिंगल क्रोशिया फिर वन चेन फिर एक डबल क्रोशिया का गैप डालने के बाद आगे क्योंकि वन चेन बनाने के बाद बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा एक डबल क्रोशिया यानी छोड़ने के बाद आगे फिर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद वन चेन फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया का गैप डालने के बाद आगे फिर सिंगल क्रोशिया फिर वन चेन फिर आगे सिंगल क्रोशिया तो इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया के साथ चारों तरफ से घुमा लेते हैं बीच के होल को रेड कलर से आउटर लाइनिंग बनाने के बाद फिर मैंने एक कॉर्नर पर फ्लावर बनाकर तैयार किए और साइड में तीन तीन पॉप बनाकर तैयार किए और इसको फ्लावर को पॉप को कैसे बनाकर तैयार करेंगे मैं दूसरे पीस पर बनाकर दिखा देती हूँ और सेमी सेम डिज़ाइन से बनाकर तैयार करेंगे चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और आप बताना छवि कवर कैसे बनकर तैयार हुआ बनाने के लिए आप नीचे करेंगे और आप ऊपर करेंगे नोट लगाने के बाद इस तरीके से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको बैक साइड धागे को खींचेंगे और बाद में इसको नोट लगाने के बाद एडजस्ट करेंगे तो इसके अंदर ऐसे लूज करेंगे इसको धागे को लूज करने के बाद इसी के अंदर से फ़ोर टाइम वन टू थ्री फोर फोर टाइम ऐसे निकालने के बाद अब इन सारे धागों को निकालेंगे एकदम से और निकालने के बाद सिंगल चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद इस साइड मैंने तीन डबल क्रोशे छोड़े तो आगे भी एक डबल क्रोशे की लाइन छोड़ने के बाद आगे थ्री डबल क्रोशे छोड़ने के बाद यहाँ से ऐसे निकालेंगे और निकालने के बाद फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद लूज करेंगे चेन को और लूज करने के बाद इसी के अंदर से पब बनाएंगे वन टू तो, थ्री फोर फोर टाइम ऐसे निकालने के बाद सभी को निकालूंगी और वन चेन और वन चेन बनाने के बाद फिर एक लाइन छोडूंगी मैं डबल क्रोशे की और आगे थ्री डबल क्रोशे इस साइड से छोड़ने के बाद यहाँ से ऐसे निकालूंगी और स्लिप स्टिच भी कर सकते हो आप सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो फिर ऐसे धागे को लूज किया और वन टू थ्री फोर फोर टाइम ऐसे निकालने के बाद इन्हीं सभी धागों को निकालेंगे और वन चेन और वन चेन बनाने के बाद फिर आगे यहाँ से बीच में से उठाएंगे और स्टिच किया थ्री पब बनाकर तैयार किए और चौथे की तरफ मैं फूल बनाऊंगी, तो यहाँ पर कैसे करेंगे सिक्सटीन चेन बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को यानी सिक्सटीन चेन को स्किप करेंगे और आगे सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और इसी चेन के अंदर एक टाइम और एक बार और सिंगल क्रोशिया यानी एक ही चेन के अंदर टू सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे क्रोशिया में बल बनाएंगे और इसके अंदर से निकालेंगे और तीनों को एक बार ही गिराएंगे ये हाफ़ क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर फिर एक बार और इसी के अंदर से निकालेंगे और तीनों के एक बार गिराएंगे हाफ क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे फिर चेन के अंदर ऐसे बल्ब बनाएंगे और तीनों को एक बार गिराएंगे, फिर एक ही चेन के अंदर एक बार और ऐसे निकालेंगे और गिराएंगे यानी एक चेन के अंदर टू टाइम आप क्रोशिया बनाने के बाद आगे चेन के अंदर आए और डबल क्रोशिया और इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया फिर आगे चेन के अंदर आए और इसी चेन के अंदर थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी एक चेन के अंदर थ्री टाइम डबल क्रोशिया टू एंड ये थ्री चेन के अंदर तीन तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और नीचे की छह चेन को छोड़ेंगे यहाँ तक तीन तीन डबल क्रोशिया के साथ चेन को कंप्लीट किया आगे छह चेन नीचे की रह गई हैं अब आगे कैसे करेंगे क्रोशे में टू लूप बनाएंगे और आगे की चेन के अंदर से निकालेंगे और टू फंदों को गिराएंगे, फिर टू को गिराएंगे, फिर टू को गिराएंगे, यानी थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऐसे टू लूप लेने के बाद इसी चेन के अंदर से टू फंदों को गिराया टू को गिराया टू को गिराया फिर आगे टू लूप लेने के बाद फिर इसी चेन के अंदर से टू को गिराया टू को गिराया टू को गिराया तो थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर एक ही चेन के अंदर थ्री डबल क्रोशिया बनाए और आगे फिर मैं ऐसी चेन के अंदर आऊँगी टू लूप लेने के बाद चेन के अंदर आई और थ्री डबल क्रोशिया बनाया फिर इसी चेन के अंदर थ्री डबल क्रोशिया बनाया और फिर इसी चेन के अंदर थ्री डबल क्रोशिया बनाया तो एक ही चेन के अंदर थ्री डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ तक मैं आ जाती हूँ थ्री थ्री डबल क्रोशिया के साथ क्योंकि छः चेन थ्री थ्री डबल क्रोशे के साथ कंप्लीट करने के बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और ये ऐसे इस तरीके से फ्लावर बन जाएगा और यहाँ पे हल्का सा स्टिच करना पड़ेगा आपको और फिर आगे ऐसे निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे स्लिप स्टिच करने के बाद फिर इसके बीच में पप बनाएंगे धागे को लूज किया और इसी के अंदर से फोर टाइम निकालेंगे टू तो, थ्री फोर 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 टाइम निकालने के बाद ऐसे ज्वाइंट करेंगे इसको फ्लावर लगाने के बाद छवि कवर बनकर तैयार है आप बताना छवि कवर कैसे बना थैंक यू एंड राधे राधे